नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका 8 सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ सर्विसिंग अपनी गाड़ी हुंडा लीवो की। और ये गाड़ी भाई कितनी चल चुकी है आप देख सकते हैं। एक बार यहाँ पर आप देखेंगे 25,219 किलोमीटर चल चुकी है। और इस गाड़ी की जो सर्विसिंग है ये हर बार मैं कम से कम 2-3-4 हज़ार किलोमीटर के अंतराल पे करवा लेता हूँ। और आप मतलब कि मुझे एक्चुअली याद नहीं है ये कौन सी सर्विस है, आई थिंक 6ठी 7वीं सर्विस होगी इसकी। लास्ट सर्विस मैंने करवाई थी वो 22,000 किलोमीटर पे करवाई थी, लेकिन उसका जो खर्चा था वो मुझे 1500 के आसपास बैठ गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। एक्चुअली उस समय क्या था, गाड़ी का जो कौन सेट वगैरह है वो चेंज हुआ था, तो उसमें जो है कि काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया था। लेकिन इस बार जो है अलग सर्विस सेंटर को मैं ट्राई कर रहा हूँ, यहीं पर पास में है, और उसमें कितना खर्चा आता है वो हम देखेंगे। बाकी गाड़ी में भाई दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो एक साइड का इंडिकेटर है वो आप देख सकते हैं इधर का ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है, और पीछे का जो इंडिकेटर है वो बंद है गाड़ी में। एक वो समस्या आ रही है, और दूसरी समस्या है कि गाड़ी का जो पिकअप है वो थोड़ा सा लो हो गया है, और जो ब्रेक हैं वो भी चू चू की आवाज़ कर रहे हैं। तो गाड़ी की जो सर्विसिंग में कितना कॉस्ट आता है, कितना गाड़ी मतलब चलने के बाद कैसा रिस्पॉन्स देती है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है गंदी भी हो रखी है, पूरी धूल मिट्टी आप देख पा रहे होंगे गाड़ी में। अभी लगभग समय 9:30 बज रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 9:36 हो रहा है। और देखते हैं अगर वहाँ पर गाड़ी को उन्होंने ज़्यादा समय के लिए रोका तो मेरी जो सिस्टर है वो लेके जा रही है कार, हम लोग इसमें बैठ के वापस आ जाएंगे। और अगर थोड़ा जल्दी कर देते हैं वो लोग तो फिर मैं गाड़ी को लेकर के ही वहाँ से आऊँगा। तो फटाफट से चलते हैं सर्विस सेंटर को। चलिए ये आगे आगे चलती है और मैं अपनी बाइक को चलाता हूँ। तो भाई लोग मैं अभी पहुंच चुका हूं होंडा BGS करके ये शोरूम है, इसी के पीछे जस्ट इनका सर्विस सेंटर है, घर से थोड़ा सा पास में ही है। और ये रही हमारी गाड़ी, और ये मेरी बहन भी मेरे पीछे पीछे आ गई है। लेकिन मैं सोच रहा हूं यार ये जो शोरूम वाले हैं बिना मतलब के काम ज़्यादा निकालते हैं, मेरे साथ हमेशा का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। तो इधर आसपास जो प्राइवेट मतलब कि अलग जो मैकेनिक होते हैं ना उनकी भी दुकानें हैं, तो एक बार वहाँ भी रेट पता कर लिया जाए। लेकिन अगर ज़्यादा काम नहीं बताते, सही सही अगर ये रेट बता देते हैं तो इन्हीं से करवा लेंगे। तो पहले चलता हूँ मैं यहाँ पर और देखता हूँ कि क्या रेट बताते हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा हाई फाई रेट अगर बताएंगे तो फिर हम वहाँ जाएंगे। अगर मैंने हुंडा से करवाई सर्विस तो मैं आपको अगली बार जो गाड़ी की सर्विस है वो अपने बाहर वाले मैकेनिक से करवा के बताऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अलग अलग एक्सपीरियंस अलग अलग वीडियोस में आते रहेंगे। तो फटाफट से हम चलते हैं यहाँ पर। तो भाई ये खड़ी है अपनी गाड़ी, और यहाँ पर मतलब अटेंड करने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, हालांकि ज़्यादा भीड़ नहीं है। अब 2-3 लोगों के बाद जो है ये इन गाड़ियों के बाद अपना ही नंबर आने वाला है, देखते हैं क्या बताते हैं भैया। क्या ये छोटा सा सर्विस सेंटर है, एक बार आपको थोड़ा सा मैं अंदर का टूर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो सर्विस होती है, यहाँ पर इनकी वॉशिंग होती है, और यहीं पर ये सामने की तरफ इधर जो कैश काउंटर है वो है यहाँ पर। यहाँ पर ये गाड़ी की जो जॉब कार्ट है वो बन रही है, यहीं पर ये इंस्पेक्शन करते हैं। तो भैया अब आ गई है अपनी गाड़ी, ये देख सकते हैं सामने की तरफ, और ये चढ़ा रहे हैं ऊपर। खींच रहा है भाई लपक के। थोड़ा सा जो वॉशिंग वाला जो प्रेशर पंप है वो यहाँ पर चल रहा है, तो नॉइज़ आ सकती है, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अभी मैंने मतलब जॉब कार्ड जो है गाड़ी का बनवा लिया, और अभी वहाँ पे क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। अंदर की तरफ थोड़ा सा मतलब
भीड़ भड़क्का ज़्यादा था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन ये रहा भाई उनकी स्लिप का। और उन्होंने जो एस्टिमेट कॉस्ट बताया है गाड़ी में वो 490 रुपये का बताया है। उसमें क्या है, इंजन ऑयल चेंज करेंगे और इसकी जो लेबर चार्ज है वो जनरली 300 लगती है, लेकिन कुछ इनका ऑफ़र चल रहा है तो वो उन्होंने 150 रुपये मतलब इसकी लगाई हुई है। बाकी इसमें चेंज होना है भाई इसका इंडिकेटर का एक बल्ब, वो 20-30 रुपये का आ जाएगा, और एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग जो है वो चेक करने के बाद बताएंगे। तो मैंने उनसे पूछा भैया सामने से रह के करवा सकता हूँ क्या सर्विस, तो उन्होंने बोला ठीक है कस्टमर लॉन्ज में बैठ जाइए, जब भी आपका मतलब नंबर आएगा तो हम आपको बता देंगे, आप सामने से करवा सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाला जो सर्विस सेंटर है काफ़ी अच्छा है, मुझे तो कोई दिक्कत मतलब लगा नहीं। तो कार में लेकर के आया था, अगर ज़्यादा समय तक अगर ये रोक के रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 बजाते हैं, अभी जो समय है वो हो रहा है भाई 10 बज रहे हैं, और इन्होंने जो टाइम दिया है गाड़ी देने का वो 12:30 का यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये लिखा है भाई 12:30। तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी कर देंगे, और देखना देखते हैं ये सर्विस कैसी क्या करते हैं। वैसे भाई इस हाथी को तो फालतू ही लेके आ गए यार, अपन इससे ही आ जाते दो लोग और मस्त अपनी सर्विस भी हो जाती, पर भगना पड़ जाता वापस तो काहे से जाते, फिर पैदल पैदल चलते रहते, चलो इसको ले आए, चलो कोई बात नहीं, ये खड़ी रहेगी साइड में, ये खड़ी हमारी गाड़ी, अब हम अंदर चल के बैठ जाते हैं। तो भाई हम लोग अभी बैठे हुए हैं सर्विस सेंटर के कस्टमर लॉन्ज में, आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा एक कमरा दिया हुआ है जिसमें कि 5-6 चेयर्स वगैरह लगी हुई है, और कस्टमर लॉन्ज भाई पूरा खाली पड़ा है, कोई भी मतलब जनरली जो सर्विस है गाड़ियों की सामने से नहीं करवाता है, मतलब दे देते हैं गाड़ी को और वो लोग टाइमिंग दे देते हैं उस टाइम पर आकर के आप ले जाएं। तो मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ही लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये टीवी लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट हैं वो शोकेस पर लगे हुए हैं, और ये कुछ चीज़ें लिखी हुई है तो कौन पढ़ेगा इनको। बाकी भाई इधर की साइड आप देख सकते हैं सामने से ही काफ़ी बड़ा जो ग्लास है उसमें से गाड़ियाँ जो हैं सर्विस होती हुई दिख जाती हैं, और जैसे ही इनमें से कोई सी भी गाड़ी सर्विस होकर उतरती है 4-4 बे हैं यहाँ पर, और जस्ट उसके बाद अपनी जो गाड़ी है वो यहाँ पर चढ़ेगी। ये जो आप डोर देख पा रहे हैं ये वाला, इसके अंदर जाते ही इन लोग का शोरूम है, सोच रहा हूँ एक बार शोरूम के राउंड भी मार आऊँगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बैठते हैं शांति से। और भाई थोड़ा बहुत जो नॉइज़ है वो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अब ये सर्विस सेंटर है, शांति नाम की चीज़ सर्विस सेंटरों पर नहीं होती, क्योंकि यार गाड़ियों का काम वगैरह है, ठोका पीटी चलती रहती है। 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद अभी 11 बज रहा है और अपनी गाड़ी का नंबर यहाँ पर आ चुका है, जैसे ही एक एक्टिवा उतरी उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी यहाँ पर लगा दी, तो मतलब टाइम तो काफ़ी कम कंज्यूम किया इन लोगों ने। अब देखते हैं ये काम कैसा करते हैं, सामने से मैं सारी चीज़ें देखता रहूँगा। इंडिकेटर की प्रॉब्लम अपने को समझ में आ गई है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चूहों ने अपनी जो वायर है उसे कुतर दी थी अंदर से, ये दूसरी बार है जो मेरी गाड़ी में चूहों ने वायर कुतरी है, एक बार आगे की तरफ टंकी के नीचे भी जो वायरिंग थी उसे भी कुतर दी थी, और यहाँ पर ये दूसरी बार उन्होंने कुतर दी थी। जो बल्ब है वो साबुत है, तो भाई अपनी गाड़ी हो चुकी है अब सर्विस, एक बार और लुक देख लो, बढ़िया धुल के एकदम मस्त लग रही है, क्लीन क्लीन सी। और क्या खर्चा आया, टोटल क्या बिल बना है, कैसी चल रही है सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारी बातें हम चलते हैं, मतलब ये सारी बातें हम घर पहुंच के करते हैं। तो अभी मैं इसे चला तो लूँ थोड़ा सा मतलब सर्विस के बाद पहले। तो भाई बाइक की सर्विस करवा के फाइनली आ चुके हैं हम घर पे, और अब बात करते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन की कि कैसा रहा होंडा का सर्विस एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बिल दिखाता हूँ, जो बिल है वो आप देख सकते हैं, इन लोगों ने एस्टीमेट दिया था 490 का और 490 का ही बिल बनाया, एकदम एग्जैक्ट मतलब जो इन्होंने एस्टीमेट दिया था वही एस्टीमेट इन लोगों ने बनाया है, उतने का ही गाड़ी में बिल दिया है। काम क्या क्या हुआ है, तो गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज हुआ है, और दूसरी चीज़ गाड़ी की जो लेबर कॉस्ट थी वो लगी है 150 रुपीज़, और 340 का इसमें अपन को इंजन ऑयल डाला है। इंजन ऑयल कौन सा डाला है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, चाबी खोलिए गाड़ी की, ऑयल अंदर है इसमें, देखा हाँ,
तो भाई ये वाला इंजन ऑयल होंडा का एक जेन्युइन इंजन ऑयल जो आता है वो इन लोगों ने यूज़ किया, पुराना ऑयल जो था वो मैं गाड़ी का ले आया। और इसकी एमआरपी आप देख सकते हैं 340 रुपीज़ है, ये इन्होंने लगाई है। तो बस इतना ही कुछ कॉस्ट था, सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। अभी समय हो रहा है 12:10 या 12:20, और इन्होंने जो टाइम दिया था 12:00 एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर हो रहे हैं 12:14, तो 12:30 बजे का इन्होंने दिया था टाइम, और 12:14 पर गाड़ी आ चुकी है घर। और जो धोई है इन लोगों ने काफ़ी अच्छी धोई है, मस्त, कोई भी गंदगी वगैरह नहीं दिख रही है। अब थोड़ी बहुत तो खैर घर आते आते गाड़ी गंदी हो ही जाती है, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी करीब यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी है सर्विस सेंटर की, तो इतना तो चलता है। लेकिन हाँ, टाइमिंग के मामले में काफ़ी अच्छा था, जो कॉस्ट वगैरह इन्होंने किया है टोटल वो भी काफ़ी अच्छा था। ये एक चीज़ ये बोल रहे थे कि अपना चेन वगैरह खुलवा के धुलवा धुलवा लो, तो मैंने वो 2-3 बार ट्राई करके देख लिया है, कोई ख़ास उससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है चेन पे, मतलब जैसी रहती है वैसी रहती है। 120 रुपये उसका ले रहे थे चेन क्लीनिंग का, मैंने वो भी मना कर दिया। जो बल्ब है वो भी इन लोगों ने मतलब चेंज नहीं किया, अंदर से चूहे ने वायर काट रखी थी तो वो भी मतलब सही कर दिया। तो ये था भाई टोटल सर्विस एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा था BGS होंडा। और इतना ही था इस वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा।